हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रलोक कुमार और आपको मेरे चैनल एसके बिल्डिंग डिज़ाइन स्टूडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों, ये जो प्लॉट है हमारा, आपको जो दिख रहा है, ये ईस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग का, इसको इसके दो साइड रोड है और इसको दोस्तों बनाया गया है इस तरीके से ताकि हम इसमें दो फ्लैट आसानी से लगा सके, एक साइड खुद के रहने के लिए और एक साइड हम आसानी से रेंट पे इसको लगा सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ईस्ट साइड का बता देता हूँ। ईस्ट साइड में तो दोस्तों, हम आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक छोटा सा कट पोर्शन दे दिया है यहाँ पे, जो कि 4 फीट का कट पोर्शन है। और ये हमारा जो प्लॉट है, इसमें इंटर होने के लिए हमने ये पोर्शन ए कट एरिया दे दिया था ताकि हम अपने प्लॉट में इंटर हो सके। और यहीं से हमारा मेन एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। ये जो डायरेक्ट हमारा डबल डोर का ये जो ओपन हो रहा है, ये हमारा हॉल में जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हॉल में जाती है। और हमारा एक और हमने डोर ओपन प्रोवाइड किया था ताकि कोई भी बाहरी आए उसको हॉल में ना ले जा करके हम यहीं पर ड्राइंग रूम में रख दें, इसलिए हमने एक और डोर यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों। देख सकते हैं आप, जो कि 12 फीट 2 इंच बाय 10 फीट का है। और इसमें भी आसानी से आप सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं, इसमें 10-15 आदमी एक साथ आसानी से बैठ सकते हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। तो और चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। और इसे हमारा मेन डोर होता है हॉल के तरफ। और इस हॉल का जो साइज आप देख सकते हैं, 20 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 1 इंच का, जो कि काफ़ी अच्छा और स्पेसियस है। इसमें आप चाहे तो डाइनिंग टेबल वगैरह, सोफ़ा वगैरह आसानी से अच्छे से सेट कर सकते हैं। और इसी हॉल से हमारा एक मेन एंट्रेंस जाती है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये किचन में होती है दोस्तों। डायरेक्ट हमारा ये मेन एंट्रेंस किचन में जाती है। और इस किचन का जो साइज है 10 फीट 2 इंच बाय 11 फीट 1 इंच का है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेसियस है, स्टैंडर्ड साइज का किचन बनाया है दोस्तों यहाँ पर। और इसी से अगर हम चाहें तो इमरजेंसी केस अपने प्लॉट से बाहर जाने के लिए, अपने घर से बाहर जाने के लिए, एक हमने छोटा सा दरवाज़ा 2.5 फीट का दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। और उसके बाद हॉल से हमारा एक और मेन एंट्रेंस जाती है, जो कि बेडरूम की तरफ जाती है। और इस बेडरूम का साइज है 12 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 1 इंच का है, जो कि काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है। आप चाहे तो बेड के साथ यहाँ पे अलमीरा वगैरह आसानी से लगा सकते हैं, एक छोटा सा सोफ़ा भी लगा सकते हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद इसी बेडरूम से हमने एक अटैच टॉयलेट का प्रोविज़न दे रखा है। और एक छोटा सा टॉयलेट भी है, एवरेज साइज का है, जो कि 5 फीट बाई 4 फीट 5 फीट 4 इंच का है, जो कि एवरेज साइज का टॉयलेट है। आप आसानी से इसमें अटैच टॉयलेट बना सकते हैं। और चलिए दोस्तों, उसके बाद आते हैं हॉल से। हॉल से एक और हमारा मेन एंट्रेंस जाती है, जो कि इस बेडरूम की तरफ है। और इस बेडरूम का जो साइज है 12 फीट 10 इंच बाई 10 फीट 1 इंच का है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 फीट 10 इंच बाई 10 फीट 1 इंच का है, जो कि स्टैंडर्ड साइज ये भी है। और इसी बेडरूम से हमने एक अटैच टॉयलेट भी दे रखा है, जो कि 5 फीट बाई 5 फीट 5 इंच का है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेसियस है। हमने हर एक बेडरूम को एक अटैच टॉयलेट दे रखा है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बाहर आने जाना ना पड़े। और उसके बाद एक हॉल से एक और हमारा एक और बेडरूम है दोस्तों, देख सकते हैं 12 फीट 10 इंच। और इसी बेडरूम से हमने एक और अटैच टॉयलेट दे रखा है, जो कि 5 फीट बाई 4 फीट 8 इंच का है, जो कि काफ़ी अच्छा और स्पेसियस है, छोटा सा है बट अच्छा है। और उसके बाद आते हैं हमारे हॉल में। हॉल से हमने एक कॉमन टॉयलेट का प्रोविज़न दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं 4 फीट 6 इंच बाई 5 फीट 6 इंच का है। आप इसको कॉमन टॉयलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई बाहरी आया गया तो उसके लिए भी यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने बेसिन एरिया भी प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, देख सकते हैं, हैंड वॉश करने के लिए अच्छा है, स्पेस है। तो दोस्तों, ये जो हमारा आपने अभी देखा, ये जो डिज़ाइन था, ये हमने ईस्ट साइड से दिखाया था। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका जो एक और रोड है वो साउथ साइड से है, और इसको दो फ्लैट में बनाया गया है, एक खुद के रहने के लिए और एक रेंट पर्पस से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा मेन एंट्रेंस है इस फ्लैट में जाने के लिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये स्क्रीन रोटेट नहीं हो रहा है इसलिए इस तरीके से थोड़ा आ रहा है, तो एडजस्ट करके थोड़ा देख लीजिए।
समझ जाइएगा, मैं समझा देता हूँ। और यहाँ से जो मेन एंट्रेंस है हमारा डायरेक्ट ड्राइंग रूम में जाती है, और इस ड्राइंग रूम का जो साइज है 10 फीट 10 इंच बाई 8 फीट 6 इंच का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आराम से 5-6 आदमी एक साथ इसमें बैठ सकते हैं, स्पेस की कमी नहीं होगी। दोस्तों एक्चुअली ये छोटा सा एक फ्लैट, एक रूम का फ्लैट बनाया गया है, जो कि हम इसको रेंट पर्पज़ से इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसलिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एक्चुअली रहने के लिए भी और अर्निंग के लिए भी, एक अर्निंग के पर्पज़ से भी इसको डिज़ाइन किया गया। और इसके बाद हमारा इस ड्राइंग हॉल से डायरेक्ट इंटर होता है हॉल में, और एक हॉल से डायरेक्ट बाहर जाने के लिए भी हमने यहाँ पे एक डोर का प्रोविज़न दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो कि वेस्ट साइड में है। और इसी हॉल से एक किचन, किचन का प्रोविज़न दे रखे हैं दोस्तों, देख सकते हैं, 9 फीट बाई 8 फीट 2 इंच का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 2 आदमी तो आसानी से इसमें खड़ा होकर के खाना बना सकते हैं, स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। और यहाँ पे हमने छोटा सा एक डक्ट काटा है, छोटा सा स्पेस है, ओपन स्पेस है, जो कि हमको सब साइड से विंडो का प्रोविज़न प्रोवाइड करेगा दोस्तों, देख सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इसको स्टोर रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं इस हॉल में। इस हॉल का जो साइज़ है मैंने आपको बताया नहीं था, इस हॉल का जो साइज़ है 14 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस का हॉल है। आप आसानी से इसमें डाइनिंग टेबल, सोफ़ा वगैरह बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा अपने डिज़ाइन के हिसाब से। उसके बाद हमने एक मास्टर बेडरूम प्रोवाइड कर रखा है दोस्तों, देख सकते हैं, जो कि 14 फीट 6 इंच बाई 11 फीट का है। और इसी से हमने एक अटैच टॉयलेट का भी प्रोविज़न दे रखा है, जो कि इस टॉयलेट का साइज़ है 5 फीट बाई 4 फीट 10 इंच का। और दोस्तों हमने यहाँ पे सब साइड विंडो का प्रोविज़न दे रखा है दोस्तों, देख सकते हैं, ताकि हमको प्रॉपर वेंटिलेशन अपने घर में मिलते रहे और फ्रेश हवा आते जाते रहे। और हमने यहाँ पे जो स्टेयर केस है, जो हमारा ये स्टेयर है, इसको हमने बाहर में प्रोवाइड किया है, ताकि हम डायरेक्ट जो हम, क्योंकि ये दो फ्लैट है इसलिए हमने स्टेयर को बाहर में प्रोवाइड किया है, ताकि अगर कोई आए तो यहाँ से अप हो करके ऊपर में जब जाएगा तो एक अपने साइड जाएगा और दूसरा अपने साइड जाएगा, किसी को एक दूसरे के साइड जाने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों। इसको सब चीज़ देख करके इसको डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये प्लान, हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको